अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। पिछले लेक्चर्स में हमने स्वर व्यंजन का उच्चारण देखे थे, फिर रेखा खींचो देखे थे, फिर सब्जी और फलों के नाम हिंदी में देखे थे और एक कविता देखी थी। आज का हमारा पाठ है स्वर और व्यंजन को कैसे लिखते हैं। अभी तक हमने उनका उच्चारण देखे थे कि उसे कैसे बोलते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि उसे कैसे लिखते हैं। तो आए शुरू करें। अ, पहला वर्ण क्या है? अ, इसे ज़्यादा लमाते नहीं, इसे पढ़ते हैं अ। रिपीट विद मी, अ। कैसे पढ़ते हैं इसे? अ। आप सभी हमारे बात बोलिए, अ। आ से अनार, आ से अदरक। पोमोग्रेनेट को हिंदी में कहते हैं अनार और जिंजर को हिंदी में कहते हैं अदरक। आ से अनार, आ से अदरक। अब हम देखें कि उसे लिखते कैसे हैं। लिखो, राइट। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बिंदु, तो आपको लिखने के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ बिंदु दिए गए। देखिए पहले यहाँ देखिए कैसी है, कर्व्ड है, घुमावदार रेखा है। आप सभी को याद है रेखा खींचो में हमने देखे थे घुमावदार रेखा और हमने उन बिंदुओं को मिलाए थे, तो उसी तरह यहाँ हमें पेंसिल की हेल्प से आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे। फिर देखिए ये ऐसा आ दिया गया है, आपको फिर इन बिंदुओं को मिलाना है। ऐसे करते हुए आपको यहाँ तक सब बिंदुओं को मिलाना है तो आपको आ बनाना आ जाएगा। आपको आसानी के लिए बिंदु दिए गए हैं, बस आप सभी को आपकी पेंसिल की हेल्प से इन बिंदुओं को जोड़ना है, मिलाना है। और आप सभी के पास 3 लाइन की बुक होनी चाहिए, ठीक है? हिंदी लिखने के लिए आपके पास सभी के पास 3 लाइन की बुक होनी चाहिए। देखिए ऐसी 3 लाइन्स होती है, 1 2 3, ये 3 लाइन्स होती है। इसी में हम लिखना सीखेंगे, ये 3 लाइन की मदद से ही लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आ बनाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। आप सभी ने मैथ्स में 1 2 3 देखे होंगे, तो जो मैथ्स का 3 होता है, देखिए मैथ्स का 3, तो इससे हम आ बना सकते हैं। इसे हम देखिए मैथ्स का जो 3 होता है, हमें ये 3 लाइन के बीच में उसे लिखना है ऐसे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, हमने देखे थे रेखा खींचो में आड़ी रेखा, तो मैं वैसे आड़ी रेखा लेनी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसे बीच में से। देखिए ऐसा 3 लाइन्स है ना, 1, 2 और 3। तो जो ये 2nd लाइन है, जो बीच की लाइन है, उसमें से हमें रेखा लेनी है, आड़ी रेखा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, ठीक है? यहाँ तक आप सभी ने किए। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है सरल रेखा, खड़ी रेखा, हमने जो रेखा खींचो में सीखे थे, तो खड़ी रेखा हमें ये 3 लाइनों के बीच में लेनी है, 1, ये ऐसे बीच में, ये 3 लाइन्स के बीच में आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे इसे जोड़ते हुए ऐसे आप यहाँ नहीं लेंगे वो रेखा, ठीक है? आपको यहाँ लेनी है वो रेखा, इसे जोड़नी है ऐसे, ठीक है? देखिए आपको आ दिखाई दे रहा है बना हुआ, ऐसे आपको लेनी है। आप सब यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ऐसे ले लेनी है, जहाँ हमने बताया आपको वैसे लेनी है। किया आप सब ने? अब देखिए फिर से हमें आड़ी लेके, आड़ी रेखा ले ली, लेकिन कहाँ लेनी है, ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन है, जो पहली रेखा है, हमें यहाँ लेनी है आड़ी रेखा, ठीक है? इस लाइन में ऐसे, ठीक है? आपको सभी को ऐसी रेखा लेनी चाहिए, लेनी है ऐसी नहीं लेनी, ऐसी लेनी, जैसे हमने बताए हैं आप सभी को वैसे लेनी है। देखिए बन गया, हाँ कितना इजी है बनाना। आप सभी ने हमारे साथ प्रैक्टिस की, हमारे साथ लिखना सीखे। क्या करना है आपको, पहले मैथ्स का 3 लेना है, फिर ये जो 3 लाइन है उसमें से बीच की लाइन में उसी को जोड़ते हुए आड़ी रेखा लेनी है, फिर ये सीधी ऐसी सरल रेखा लेनी और उसे फिर से आड़ी रेखा से ज्वाइन करना है। आपकी आसानी के लिए यहाँ बिंदु दिए गए हैं, आपको पहले बिंदुओं को जोड़ना है पेंसिल की हेल्प से, और ठीक है? तो फिर आप सभी को आ बनाना आ जाएगा, ये आपके आसानी के लिए दिया गया हुआ है।
और आप सभी को आपकी 3 नंबर की बुक में, आपकी 3 लाइन की बुक में ऐसे लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए आप क्या करना है, आ वन पर सर्कल लगाओ, पुट आ सर्कल ऑन अ वन आ। हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए नीचे, हमें उनमें से आ वर्ण देखना है कि उसमें आ वर्ण कहाँ है, आ कहाँ लिखा हुआ है। आप सभी को अब तक पहचान हो गई होंगी आ की, देखिए इसे क्या कहते हैं आ। तो हमें देखना है इनमें से आ कहाँ लिखा हुआ है और उस पर ऐसा सर्कल करना है, ठीक है। पहला वर्ड है अचकन, क्या है अचकन। अब देखिए इसमें आ शुरुआत में दिया हुआ है तो हमें इस पर क्या करना है, सर्कल सी। नेक्स्ट अचार, अचार में ये है आ वन, तो हमें इस पर ऐसे सर्कल करना है। नेक्स्ट अनार, तो अनार पे देखिए ये है आ दिया हुआ है तो ये हमें लिखेंगे, इस पर सर्कल करेंगे। अभी जो बाकी के जो 2 वर्ड्स है ये आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी तक हमें देखिए अब है आ, इसे थोड़ा लमा के पढ़ते हैं आ, रिपीट आफ्टर मी आ, इसे थोड़ा लमा के पढ़ते हैं। आ से आम, आ से आग, मैंगो को हिंदी में कहते हैं आम, फायर को हिंदी में कहते हैं आग। आ से आम, आ से आग। अब हम देखेंगे इसे कैसे लिखते हैं, देखिए फिर से बिंदु दिए गए, हमें बस इन बिंदुओं को जोड़ना है। अभी हमने आ बनाना सीखे थे अ, तो बस वैसे ही हमें आ भी बनाना सीखना है, ठीक है। ये उसके जैसे ही, बस हमें एक मात्रा का एडिशन करना होगा, एक मात्रा उसमें लगानी होगी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपको बिंदु आसानी के लिए दिए गए हैं, आपकी 3 नंबर की बुक में आप कैसा बनाएंगे आ, देखिए इधर। अभी हमने आपको बताया कि आ बनाने के लिए मैथ्स के 1, 2, 3 में से 3 का हम इस्तेमाल करते, तो उसी तरह आ बनाने के लिए भी हमें 3 का यूज़ करना होगा, सी 3। फिर हमें क्या करना होगा, ये 3 लाइन दिए गए, 1, 2, 3, 3 लाइन की बुक है ना आपकी, तो जो बीच की लाइन है हमें उसमें ऐसे आड़ी रेखा लेनी है, ठीक है। आड़ी रेखा लिया आप सब ने हमारे साथ, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब आड़ी रेखा लेने के बाद हमें एक सरल रेखा लेनी है उसी के साथ सामने, ठीक है। ऐसी आप यहाँ नहीं लेंगे, आपको यही लेनी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आ, लेकिन हमें क्या बनाना है आ, ये था हमारा आ जो हमने अभी पहले सीखी, लेकिन हमें क्या बनाना है आ। और आ की क्या होती है, मात्रा होती है, हमने पढ़े थे ना पहले कि आ की मात्रा होती है, तो हमें यह मात्रा लगानी है। और मात्रा कैसा है, सरल रेखा, तो हम इसे थोड़ी दूरी पे लेंगे, ऐसे यहाँ लेंगे थोड़ी दूरी पे, ये ऐसी आ बना हुआ है, तो हम उसको ऐसे एकदम जोड़ के नहीं लेंगे, एकदम ऐसे इसमें मिला के नहीं लेंगे, आपको थोड़ी दूरी पे लेना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी दूरी पे एकदम उसको ज्वाइन करके मत लेना। ये क्या बन गया हमारा आ, आ की ये आ था, उसकी मात्रा आ, और अब आखिरी में ऐसे, ठीक है, ये हमारा बन गया आ। आप सभी को आपकी 3 नंबर की बुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप सभी को आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बिंदु दिए गए हैं, तो ना आपको उन बिंदुओं को जोड़ना है पेंसिल की हेल्प से, और आपकी नोटबुक में जो 3 लाइन की बुक है उसमें आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट इज, आ वर्ण पर सर्कल लगाओ, पुट अ सर्कल ऑन अ वर्ण आ। हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले अ वर्ण पे सर्कल लगाए थे, हमें अब आ वर्ण पे सर्कल लगाना है। पहला वर्ड है आठ, क्या है आठ, तो इसमें हमें आ पर सर्कल करना है, सी आ पर सर्कल। दूसरा वर्ड है आसन, आसन हमें आ पर सर्कल करना है। तीसरा वर्ड है आलू, आलू आ वन पर सर्कल। ये 2 आपके लिए होमवर्क है, ओके, ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप सब घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके। वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।